आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज हम घर में ही बनाएंगे बिना बेक के, बिना ओवन का, बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में तैयार ढेर सारे आलू पेटीज। आप देख सकते हैं एक एक पफ पेस्ट्री कितना बढ़िया बना है, कितने क्रिस्पी है, एक एक लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो आप भी इस खारी पेटीज को मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। ग्राम में देखें तो 250 ग्राम मैदा। आप आधा मैदा आधा गेहूं के आटा मिला के बना सकते हैं। आधा छोटी चम्मच अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, मैं आधा छोटी चम्मच डाल रही हूँ, और 2 टेबलस्पून ऑयल, अभी हमें सिर्फ 2 चम्मच डालना है। सारे सामग्री को एक बार इस तरीके से मिला लें, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम को तैयार कर लेते हैं। आटे को गीला नहीं होने दीजिएगा। जब अच्छे से डो सिमट आ जाए तो इस तरीके से मिक्स कर लें। तो देखिए डो को हमने मिला लिया है, बाद में भी हम गूथेंगे, लेकिन 5 मिनट रेस्ट के बाद, तब तक स्टफिंग बनाते हैं। पैन में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद आधा छोटी चम्मच कुटी हुई धनिया के बीज डालिए, 1/4 चम्मच सौंफ, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, 1/4 चम्मच काली सरसों, आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम बिल्कुल कम रखें, हल्का सा जैसे ही सौते हो डाल दीजिए 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हरी मिर्च मिला ले। धीमी आंच पे ही डाल दीजिए 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, ना हो तो नींबू का रस डालें, स्वाद अनुसार नमक एक बार मिला लीजिए, 2 चम्मच धनिया पत्ता भी डाल दें। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़े आलू। आलू को उबाल के ठंडा कर लिया है, एक तरीके से मैश के डाले, और सभी को 1 मिनट के लिए मिला लीजिए ताकि मसाले अच्छे से आलू में लटपट हो जाए, और आलू में अगर थोड़ा मोड़ा नमी है तो वो भी सूख जाए। तो आप चाहे तो इसमें 4 से 5 चम्मच उबला हुआ मटर, 1 गाजर और 1/2 शिमला मिर्च बारीक काट के डाल सकते हैं। गर्मी का टाइम है और लॉकडाउन भी चल रहा है, इसलिए मैं सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ। तो देखिए मिला लिया है, और हल्का हल्का आपको आलू दिख रहा होगा मोटे मोटे, तो उससे बहुत ही ज्यादा स्वाद बढ़ जाता है। फ्लेम कर दे बंद, और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रखें। अब एक बाउल लीजिए, उसमें डालिए 4 चम्मच यानी 1/4 कप अरारोट पाउडर, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज। अब इसमें डाल दीजिए ऑयल, पहले 4 चम्मच डालें, धीरे धीरे इस तरीके से मिला लें। ये हम साटा बना रहे हैं, यानी इससे हम लेयर करेंगे। वैसे तो लेयरिंग बटर से होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैं आपको बहुत ही आसान इंस्टेंट तरीका बता रही हूँ। तो देखिए अच्छे से मिल चुका है, तो देखिए एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। इधर डो ने भी आराम कर लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आटा फूल चुका है। इस तरीके से अगर आप सिर्फ मिला करके रेस्ट पे रखते, बिल्कुल भी डो को मलने की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से 1 मिनट तक हम चिकना कर लेते हैं। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट लेकिन बिल्कुल भी गीला डो नहीं है। डो को हम इस तरीके से फैला लेते हैं, तो देखिए लंबाई में कर लिया है, और अब चाकू से हम रोटी जितना बॉल यानी लोई काट लेते हैं, बॉल में उठा लीजिए। और अब हम एक लोई लेंगे हाथों से, इस तरीके से गोल कर लेते हैं, और सूखा मैदा में लपेटते हुए हम बेल लेते हैं। ज़रूरत महसूस हो तो हल्का सा सूखा मैदा फिर से लगाएं ताकि अच्छे से हम पतला बेल सकें। तो देखिए गोल एक पतली सी रोटी बेल ली है, इसे उठा के प्लेट में रखें, और इसी तरीके से हमने जो सारी लोई काटी है ना, इसे सूखा मैदा में लपेटते हुए बेल लेते हैं। हमने सारी लोई की रोटी बेल ली है, और मैंने एक पर एक चढ़ा के रखा है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब एक रोटी लीजिए, और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना पतला है। ये जो हमने साटा बनाया है इससे हम लेयर करेंगे, तो थोड़ा सा हम 1 छोटी चम्मच डालते हैं, और हाथों से ही अच्छा फैलेगा, इस तरीके से अच्छे से फैला दीजिए, ये काम हल्के हाथों से करें। तो देखिए अच्छे से फैला दिया है, अब दूसरे हाथों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से हम इस तरीके से सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे,
अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे। फिर से एक चम्मच साटा डालिए और हाथों से फैला दें। इसी स्टेप को हम बार बार करेंगे। तो टोटल मैंने 7 रोटी बेला था। देखिए साटा भी खत्म हो गया है, सबको हमने लेयर कर दिया है। अब नीचे से सबको पकड़ते हुए एक साथ हम इस तरीके से रोल करें और टाइट हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हल्के हाथों से इस तरीके से फैला लेते हैं। फैलाने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया है और अब चाकू से हम बराबर भागों में काट लेते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको एक उठा के दिखाती हूँ कितने सारे लेयर बने हैं। तो बहुत सारे आपके पेटिस समोसे यानी पफ पेटिस बन जाएंगे। सभी को बाउल में उठा लीजिए और अब हम एक लोई लेंगे और जिस तरफ आपको ढेर सारे लच्छे दिख रहे हैं उधर ही हमें रखना है और उसी तरफ हाथों से दाबना है। तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। हल्के हाथों से बेल लीजिए, बार बार उलट पलट ना करें। तो देखिए मैंने बेल लिया है। अब चाकू से हम किनारे के भाग को काट लेते हैं। तो ये जो किनारों का भाग है जब सारे काट लेंगे तो मिक्स करके फिर से बना लेंगे। इधर स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है। एक चम्मच हाथों में लें, इस तरीके से गोल करके लंबाई में फैला ले, ऐसे रखें। और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक चम्मच मैदे में 2 चम्मच पानी डाल के एक लई तैयार किया है। हल्का हल्का हम किनारों पे लगा देते हैं। अब ये कोना को उठाते हुए हम इस तरीके से दाब ले, हाथों से चारों तरफ दाब दीजिए। तो देखिए हमने चिपका दिया है। अब मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने फर्स्ट बैच का बना लिया। आपको बना के रखना नहीं है, बनाते जाना है और फ्राई करते जाना है। अगर आप थोड़े बड़े बनाना चाहते हैं तो इस लोई से थोड़े मोटे मोटे काटिएगा और आप चाहें तो इसके अंदर एक टुकड़ा चीज़ भी डाल सकते हैं कद्दूकस करके। तो आप चाहें तो माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगा। तो आज मैं आपको फटाफट फ्राई करके बनाना बता रही हूँ ताकि हर कोई आसानी से बना ले। तलने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, तेल गरम हो चुका है, फ्लेम को बिल्कुल कर दे कम और इस तरीके से हम एक एक करके डालेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों बनाना, ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। अभी बाज़ार का तो खाना भी नहीं है। किसी तरीके से फ्राई होने दें, 5 मिनट के बाद हम उलटेंगे। 5 मिनट हो चुका है और कितना आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहा है। हम उलट लेते हैं तो बहुत ही प्यारा कलर आया है। तो दूसरी तरफ से भी हम धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होगा तो लेयर्स आपको खुद ब खुद दिखने लगेंगे। और दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है, एक एक करके धीरे से ऑयल से निकाल लीजिए। काफी खस्ता बने हैं, अच्छे से सील पैक कीजिएगा। टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए, इसमें जो भी आपको तेल दिख रहा है सारा खुद ब खुद सूख जाएगा। और फिर से हम लो फ्लेम पे सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक फर्स्ट बैच फ्राई हो रहा था तो मैंने सारे बना लिए हैं। तो देखिए सेकंड बैच पे फ्राई हो चुका है और इसे निकाल दें। काफी खस्ता है इसलिए धीरे से रखें। तो देखिए हमने सारे खारी समोसा यानी पफ पेस्ट्री बिना ओवन का बना के तैयार कर लिया है। तो इतनी क्वांटिटी में 15 पीस बन जाएंगे 2 कप मैदा से। और घर में आपने देखा कितना आसान है बनाना। तो सिंपल वाले समोसा या समोसा रोल तो हम बनाते ही हैं। आप इस तरीके से एक बार खारी समोसे यानी बाजार जैसे पेटिस समोसा बनाइए। और जैसा मैंने कहा कि आप इसे माइक्रोवेव में या एयर फ्रायर में बेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार उठा के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, तोड़ के दिखाती हूँ।
आपने आवाज सुना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं। थैंक यू।